का इंतजार इस अदालत को पिछली 2 तारीखों से है। खास तौर से इजाजत है श्री प्रमोद शरण गुप्ता को पेश किया जाए। यह वो नाम है मिलॉर्ड जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिनका नाम कानून की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, जिन्होंने कानून को कई नए आयाम दिए हैं, कई बेहतर मिसालें कायम की हैं। मिस्टर गुप्ता, इस केस से मुतालिक जो बातें हैं वो आप अदालत को बताएं। मकतूल की बीवी मेरी भांजी है, इसलिए मैं इस परिवार के बहुत नजदीक रहा हूं। अशोक और अजय में झगड़े तो अक्सर हुआ करते थे, मगर इसका अंजाम कत्ल तक पहुंचेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब 7 नवंबर को अजय का मेरे पास फोन आया कि उसके हाथों अशोक का खून हो गया, ये क्या कह रहे हैं आप? तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा अशोक की लाश लिए अजय। मिलॉर्ड, अजय चाहता था कि मैं उसके किए पर पर्दा डाल दूं। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है। Yes, my lord. This is an absolute lie. ये एक बहुत बड़ी साजिश है। It is a conspiracy to frame us. Order, order. आप समझते क्यों नहीं? अजय बेगुनाह है। देखिए मिस, आपको जो कुछ भी कहना है, witness box में आकर कहिएगा। Now you please sit down. आशा, ये क्या कह रहे अंकल? भगवान से तो डरिए। जज साहब, अब इनके बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। बेच चुका है ये भी जज साहब, खरीद लिया इसे भी बलवंत राय ने, मिले हुए ये सब के सब। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर गुप्ता, क्या आप उस बात पे रोशनी डालेंगे जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ? मिलॉर्ड, ये बात कहते हुए मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, लेकिन कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो। अदालत को सब कुछ साफ साफ बताइए मिस्टर गुप्ता। मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। Ha ha ha!